हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सेल्वा ने मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक क्यों दी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सेल्वा ने मेहमानों को पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक दी क्योंकि उस क्षेत्र का पानी पीने के लायक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, वाटर पार्क के मुख्य द्वार पर भीड़ क्यों थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वाटर पार्क के मुख्य द्वार पर खाली बर्तन और बाल्टी लिए लोगों की भीड़ थी क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की कमी थी। प्रश्न 3, दस्त और उल्टी से बहुत सारे लोग बीमार क्यों हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गंदा पानी पीने के कारण दस्त और उल्टी से बहुत सारे लोग बीमार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्त लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दस्त लगने पर हमें नमक और चीनी का घोल या ORS का घोल पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा, नारियल पानी पीना चाहिए ताकि शरीर को ज़रूरी मिनरल्स मिलते रहें और पानी की कमी भी ना हो। तीसरा, केला दही खिचड़ी खाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विभिन्न तरीकों के विषय में बताइए। तो यहाँ पर हम पानी को साफ करने की विधियों के नाम लिखेंगे। पहला, उबालना। दूसरा, निथारना। तीसरा, छानना। चौथा, फिटकरी का प्रयोग। पांचवा, क्लोरीन का प्रयोग। छठा, फिल्टर या RO का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, उपरोक्त चित्र में क्या तकनीक दर्शाई गई है व इस तकनीक का क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में वर्षा जल संचयन की तकनीक दर्शाई गई है। इस तकनीक में वर्षा के जल को टैंक में इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस जल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, जल संरक्षण विषय पर एक कविता या एक गीत सुनाइए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप जल संरक्षण के ऊपर कोई कविता या गीत रिकॉर्ड करके अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे या अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ जल संरक्षण के ऊपर लिख रहा हूँ। अगर यूं ही होती रही जल की बर्बादी तो एक दिन धरती से ख़त्म हो जाएगी आबादी। इसलिए तुम सभी अपनी ज़रूरतों पर करो नियंत्रण, हो सके धरती पर जिससे जल का संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान, कोरोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहने। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।